यहाँ पे आपको आपने आपको समझा है कि यहाँ पे एक 10वें माले पे आग लगा हुआ है करके, आपको मालूम है? ठीक है, सोसाइटी में आना मेरे साथ सर। ये यहाँ पे जो अलार्म दिख रहा है आपको, ये भैया ये अलार्म है, इसको इनको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए बताइए मेरे को। नहीं, आपको कोई अभी ये नहीं किया था क्या? ट्रेन नहीं दिया था आपने? ज्वाइन किया था तो अलार्म हुआ था, लेकिन मैं रिसीव किया था तो साइलेंस के रिसेंट साइलेंस रिसेंट करेंगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, फिर आराम देने लगेगा। ऐसा कोई साइलेंस किया ना, आपको बताना चाहिए उनको। आपका आपने किसी को बताया सर? कभी किया आपने ये अलार्म से रिसेट? तो जलता रहता है बराबर, कभी कभी पूरा जल जाता है। हाँ, लेकिन ये अभी जो अलार्म आया है 10वें माले पे, 10वें माले पे है ना सर? हाँ, 10th floor। 10th floor पे अलार्म आया हुआ है। ठीक है, ये 10वें माले का अलार्म आपको आया था, आपने क्यों नहीं बताया सोसाइटी में? तो मुझे ये मालूम नहीं कि यहाँ कंटिन्यू लाइट जलेगा तो अलार्म दे जाता है। ट्रेन नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं दिया, बट आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? ऐसा होता है तो ऐसा कभी होता है ना आपको? तो अभी ये सबसे पहले 10th floor पे आया है, जाके देखने का वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, कहाँ से दिला है। लाइट कंटिन्यू जलेगा तो नहीं, कंटिन्यू जलेगा ना। फ्लोर वाइज क्या है ना, देखो आपको वो लिफ्ट रूम इसको डिटेल दिया सर, वो मालूम है, लेकिन ये लाइट जब कंटिन्यू जलेगा तो हाँ ये फायर का आएगा। तो जाके चेक करने का, कहाँ दिला है या कुछ नहीं, किसी को कुछ हुआ तो नहीं है, ब्रेक किया कि नहीं है। ये अगर जो ऐसा लाइट जलते रहेगा तो हूटर ऑन रहना चाहिए ना, हूटर तो बच्चे साइलेंस करते ना सर, साइलेंस क्यों कर देते हैं? साइलेंस करेंगे तो आवाज आएगा। जैसे आप सपोज आपको अभी किधर कुछ हुआ है, आपको चुप करेगा आपको, तो अभी शांत हो जाएंगे ना, चुप रहेगा उधर आवाज आएगा, मतलब साइलेंस रहेगा, आवाज साइलेंस नहीं आएगा, एक्नॉलेज करेगा तो होटल बंद हो जाएगा, होटल बंद हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग अलार्म जनरेट करेंगे तो अभी रिसेट करके फिर से करेंगे तो होएगा, बंद करके फिर से करेंगे तो होएगा। बट आपको होटल आया था कि नहीं, आप जब ये लाइट आया तभी आवाज आया था कि नहीं, आवाज नहीं आया था, तो आपने कैसे उसको रिसेट किया? आज थोड़ी किया, कल किया तो जब भी किया था लाइट आ रहा था, आपने कल किए थे, आवाज नहीं आया था। अरे यार वो वॉचमैन है ना, वो बोलता है कि 12 बजे से लाइट लपक करता है, तो रिसेट कर देने का, रिसेट कर देने का ऐसा, मतलब आवाज आता है ऊपर, इसलिए कर दिया। नहीं बट लेकिन आप कल आया था तो कल आपने रंगनाथ को भी रिपोर्ट नहीं किया? वो आज मैंने वो है ना, वो बोलता है कि इसको बार बार लाइट जब जलेगा तो ऊपर वो आता है, आवाज आता है। हाँ, इसे रिसेट कर देने का, रिसेट कर देने का, रिसेट हो जाते हैं। ओके, इसलिए ये भैया ये इनका ड्यूटी है कि नहीं है, ये अगर जो अलार्म आता है तो यहाँ पे एक्शन लेने का, ये वॉचमैन का रिसेट करके बैठ जाते हैं? ये इसका ये ब्रेक ग्लास रहता है, अभी कुछ भी हाथ से भी आपको कुछ भी हुआ लगा था तो वो स्विच एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट दे देगा एक बार। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइलेंस करने के बाद जाके चेक करो वहाँ पे क्या पोजीशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बराबर है, जो भी वो रेक्टिफाई करो, उसके आने के बाद फिर रिसेट करो। अभी देखो रिसेट किया मैंने, अभी जस्ट निकल गया अलार्म, निकल गया, रिसेट करेंगे ना, दिखाओ मुझे अलार्म निकल गया क्या? रिसेट किया, पैनल रिसेटिंग, ओके अलार्म चला गया ना। उसमें क्या होता है ना कि आपका जो कल नॉर्मल हो जाएगा फिर से, सपोज फिर से अगर कुछ होएगा ना तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, अगर उसके अगर वही पीरियड में कुछ भी होएगा तो नहीं मालूम पड़ेगा, इसके लिए साइलेंस करने के बाद में ना रिसेट करना जरूरी है। देखो इधर दिया है, ये साइलेंस है, देखो आपको लिखा भी है और बताया भी उसमें। लेकिन आपको कल ही अलार्म आया था भैया, तो आपने आवाज नहीं आया था, नहीं आया तो आवाज नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है आवाज नहीं आया? भैया अभी अलार्म सर जनरेट करो, तो अभी आप यहाँ पे अलार्म सेट कर दो, अलार्म जनरेट करो, इसका अलार्म जनरेट क्रिएट करो, उसको नहीं आ रहा है, नहीं आया आवाज, देखो आवाज खुले, अभी आवाज नहीं आएगा तो फिर ये भी बंदा कैसे चेक करेगा सर? यार बराबर है ना, आवाज आएगा तो मुझे कुछ डाउट होगा, कुछ होने वाला हो रहा है, बराबर है ना, फिर आपको लाइट देख लिया तो आपने बंद कर दिया लाइट, बस स्विच नहीं लाइट कर दिया। ये सिंगल नहीं जलता, बस कंटिन्यू नहीं जलता। अच्छा, ऐसे लब से पूरा जलेगा फिर बंद होगा, ऐसे चलता रहता है बराबर।
तो आप रिसेट कर देते उसको? तो बोला कि रिसेट कर देना, मैं तो नहीं करता था। हाँ लेकिन बोला ऐसा रहेगा तो बार बार तू रिसेट कर देने का। हाँ लेकिन मैं अपने मन से नहीं किया, एक ही बार आपने अपनी तरफ से नहीं किया। लेकिन ये आइसोलेट किसने कर दिया वॉल्यूम कंट्रोलर सर इसका? क्या कर रहे हो यार पूरा बिल्डिंग का, अगर जो बिल्डिंग में कहीं आग वाग लग गया तो हमारा तो बिल्डिंग से जल जाएगा पूरी तरह से यार। यहाँ पे आपने अलार्म जनरेट कर दिया है फिर भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मतलब ये तो ज्यादा हो गया सर। देयर इज अ इंडिकेशन ऑफ फायर, फायर पैनल पे अलार्म आ रहा है। रिले कैच कर रहा है वो तो। अलार्म दिख रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा है, आवाज नहीं है फिर। अरे भाई ऐसा है भैया कि अगर जो कहीं पे अलार्म पकड़ लिया और मतलब आपका अलार्म जनरेट हो गया वॉल्यूम नहीं आएगा तो घर के अंदर लोगों को कैसे समझेगा कि इसमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? सिर्फ हीटर दिखाएगा, मालूम पड़ेगा। इंडिकेटर खाली दिखने से क्या फायदा है? अभी तो ऐसा हो गया ना कि भाई इनका भी गलती नहीं है। देखो एकदम हल्का सा आवाज है, कैसे सुनाई देगा इसका? तो मेरे हिसाब से तो 80 डीबी आवाज रहना चाहिए इसका, 80 डीबी सर वो भी लेते हैं। क्या लेते हैं? ज्यादा आवाज नहीं चाहिए। दवा कौन बोलते हैं ऐसा सोसाइटी में? अरे क्यों ऐसा बोलेंगे यार, ये तो सेफ्टी के लिए है। आग लगा तो हर किसी को मालूम गिरना चाहिए ना सर। अगर जो ऐसा कोई बोलते हैं तो आपने लिखवा के लिया सोसाइटी से कि हमको आपने कम करने के लिए बोला है? वॉल्यूम कैसे ऐसा डिस्कनेक्ट हो जाता है बिल्डिंग में? बी विंग में भी अभी चेक किया, वहां पे भी वॉल्यूम बंद करके रखा था, यहाँ पे भी वॉल्यूम बंद करके रखा है। ए सी विंग पूरा डिस्कनेक्ट हो गया है, आइसोलेट हो गया है, वहां पे भी नहीं चल रहा है। और भैया अगर जो आपको ऐसा अलार्म ऐसा आता है तो आपका ड्यूटी बनता है उसको रिकॉर्ड करने का, उसको लिखने का और उसको कहीं पे किसी को बताने का कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है करके। आएगा तभी ना बोलूंगा। अरे लेकिन आया था ना, आपने किया ना, आपने बंद करके बैठ गए आप, आपका ड्यूटी आप ऐसा नहीं है। आवाज आई नहीं सर। लेकिन LED को बंद करके बैठ गए ना आप, अलार्म आया उसको? मैं तो बहुत दिन से नहीं बंद किया था, वो बोला तो बोला तभी बंद किया था। कर ऐसा नहीं रहता भैया, ऐसा ये हम लोग यहाँ पे सब लोग आपके भरोसे रहते हैं ना यहाँ पे बिल्डिंग में। आप अगर जो ऐसा ध्यान नहीं दोगे तो आप क्या फायदा है? लेकिन आपको ट्रेनिंग किसी ने बताया नहीं है क्या करने का क्या नहीं करने का करके, फिर आप यहाँ बैठे किसके लिए? फिर आप ये सब बताया नहीं, फिर भी इधर कोई प्रॉब्लम अगर आवाज आएगा तो आदमी खुद ही मालूम कर लेगा कुछ प्रॉब्लम है इसलिए बज रहा है, तो उसको किसी से बोलेगा ही। हाँ ट्रेनिंग मिले चाहिए मिले। तो क्या अलार्म नहीं आता है आपको? आवाज नहीं, आवाज आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आता है, ऐसे ही लाइट जलती रहती है? नहीं भैया ऐसा नहीं है ना, अभी हम तो आपके भरोसे बैठे रहते हैं, आप पूरी रात यहाँ पे ड्यूटी करते हो, 24 घंटे ड्यूटी करते हो, हम आप जो आप जो बोलेंगे वही हम सब मानेंगे ना। वही लेकिन कुछ तो डायरेक्शन कहीं से होना चाहिए ना। हाँ वो लेकिन आपका सुपरवाइजर आपको डायरेक्शन नहीं दिए थे, सुपरवाइजर को मालूम रहेगा? हाँ उनको तो मालूम रहेगा क्या कैसे करना है। बुलाएंगे जरा उसको, अभी इतना भी आवाज मिलेगा तो भी हम मालूम कर लेंगे क्या आवाज आ रहा है तो बोलेंगे।
अभी 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 वॉल्यूम एम्पलीफायर का वॉल्यूम फुल है फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब आप अभी आपके साहब को पूछिए कि आपने इसके बारे में कभी रिपोर्ट किया है कि नहीं किया सोसाइटी को, सोसाइटी को राइटिंग में दिया है तो मेरे को बताइए, तो मैं सोसाइटी के साथ कल मीटिंग में बात करूंगा। अगर जो आपने दिया है तो सोसाइटी का पूरे पूरा ड्यूटी बनता है कि इसके ऊपर एक्शन लेने का और इसको चालू रखने का। आप मानते हैं कि नहीं मानते मेरी बात, पूछ लो पूछ लो। अगर जो वॉल्यूम कंट्रोलर इसका इसका तो पूरा गया ही है वॉल्यूम पूरा, ठीक है ना।